तहसीलदार साहब आए हैं क्या जी आ जाइए अब बोलती करके खड़े अपने ऑफिस में के, हाई कोर्ट के के आदेशों की चिंदी-चिंदी फेंकना तब तो बड़ा मजा आता है आपको समझ में नहीं आ रहा तो रिजाइन कर दीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है लोगों के हितों के ऊपर कोठारा घात कर रहे हैं तो अभी रिजाइन करके जाइए हो गया सर मैं कलेक्टर साहब को आदेश दे रहा हूँ की वो एक्शन लेंगे आपके घर मुझे तो जो लिखना वो तो मैं लिखूंगा कलेक्टर भरतपुर एडिशनल कलेक्टर ऑफ द क्या दे दे आर प्रेजेंट टू ऑफ देम आर प्रेजेंट कौन-कौन आए हैं है? तहसीलदार साहब आए हैं क्या जी आ जाइए आपको क्या अच्छा लगता है वैसे ही आपके साथ सलूक होगा अब बोलती बंद बंद करके खड़े होइएगा अपने ऑफिस में बैठ के हाई कोर्ट के आदेशों की चिंदी-चिंदी फाड़ के फेंकना तब तो बड़ा मजा आता है आपका निवेदन कुछ नहीं आप समझ लीजिए कि जो हम नहीं बोल रहे हैं वही कारण था जिस कारण से आपने ऐसा आदेश पारित किया है और क्या नहीं बोलना चाहते हैं कोई क्षमा नहीं होगी आपको 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 समझ में नहीं आ रहा तो रिजाइन कर दीजिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है लोगों के हितों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं तो अभी रिजाइन करके जाइए यहीं से हो गया सर मैं कलेक्टर साहब को आदेश दे रहा हूं कि वो एक्शन लेंगे आपके खिलाफ मुझे तो जो लिखना वो तो मैं लिखूंगा मैंने तो ये पूछा है कि आपको क्या समझ में आया था आप कहते मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो अब आपसे आगे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है आ जाइए एडिशनल जी आपको तो अंग्रेजी आती है आती है, आती है। अच्छा आप तो अपीलार्थी अपीलेट कोर्ट हैं। एक अपीलेट कोर्ट के क्या कर्तव्य होते हैं पुनरिक्षा नहीं या जो भी था उसमें क्या क्या आपके कर्तव्य तो उस... है कि क्या आपके क्या कर्तव्य है उल्लेख तो मैंने पढ़ लिया अंधा नहीं हूँ आपके क्या कर्तव्य है एक पुनरीक्षण न्यायालय या एक अपील एक अपील अपीलीय न्यायालय के रूप में दो दो लाइन का आदेश करना ये आपका कर्तव्य है ये सिखाया है आपको तो हाँ या ना बताइए तो परीक्षण करके परीक्षण करके किस तरीके से उसका निर्धारण करना अरे छोड़ो विधि आप लोगों को विधि कुछ नहीं मालूम आपको शासन ने क्या सिखाया उतना बताओ शासन ने क्या सिखाया उसको बताओ सुप्रीम कोर्ट का तो खैर अब आप लोगों को तो क्या मतलब है सर आप लोग तो एलियन हैं इस देश के जिसका सुप्रीम कोर्ट का तो कोई असर ही नहीं होता आप लोगों पर आपको शासन ने क्या सिखाया है कि अगर कोई अपील प्रस्तुत होती है तो उसका निर्धारण कैसे करना है ये आपको शासन ने क्या सिखाया है आपको क्या सिखाया गया है कैसे निराकरण करना कैसे निराकरण करना बस ये पूछ रहा हूँ न्याय संगत क्या होता है उसका तात्पर्य बताएं कुछ बस तथ्य और जो जो तर्क है और जो उसके विरोध में तर्क है उनका परीक्षण करना परीक्षण करने का मतलब क्या होता है स्वेच्छाधारिता होती है तो परीक्षण क्या मतलब होता है बताइए न्यायालय ट्राई टू मिसलीड द कोर्ट आदेश अभी मैंने लिखा नहीं है ठीक है ना आप अपने जाल में और उलझना चाहते हैं तो उलझता जाए मैं सब लिखने वाला हूँ आपसे पूछा जा रहा है और आप बार बार उसको अवॉइड कर रहे हो आखिरी बार पूछ रहा हूं एक अपील का निर्धारण करने के लिए आपको उसमें क्या क्या देखना है और क्या क्या लिखना है उसका परीक्षण परीक्षण का मतलब एक लाइन के विस्तार में क्यों नहीं किया तो क्योंकि तहसीलदार ने आपको आपका मुंह बंद कर दिया था आपकी आंख बंद चुप रहिए आपका मुंह बंद कर दिया था आपकी आंख बंद कर दी थी आपकी कलम रोक दी थी क्या ये कारण था या पक्षकार ने आपका मुंह कलम और आंख बंद कर दी थी या आपको कानून नहीं मालूम है और यह कानून मानते हुए भी आप उसको जान के उसका उल्लंघन कर रहे थे ये चार ऑप्शंस है आपके पास अब इन चारों ऑप्शंस में बताइए कि कौन सा सही है कि कोई भी डीले न हो चुकी हम हमारे आपको क्या लिखा गया था कि एक दिन के अंदर निर्धारित करें तो निर्धारित नहीं किया अगर कि तो जल्दी क्या थी पक्षकारों के हितों के ऊपर कुठाराघात करने की मान्य तो न्यायालय ने उन्तीस दो के पहले निर्घा करने का स्पष्ट आदेश दिया उसमें आपको आपका आदेश किस तारीख का है चौबीस अठारह चार चौबीस का है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया आपके हिसाब से कि किस तारीख तक निर्धारण करना है उच्च न्यायालय न्यायालय का आदेश था तहसीलदार के लिए तहसीलदार के लिए था आपके लिए था क्या नहीं नहीं था, नहीं था। चलिए उच्च न्यायालय ने तहसीलदार को कितने समय तक निर्धार आप अपने आप को अभी भी, भी तहसीलदार मान रहे अच्छी बात, अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी बात है अच्छी बात है सर ऐसा बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को अभी भी तहसीलदार के स्तर के ऊपर नहीं उठ पाए हैं बहुत अच्छी बात है अच्छी बात फरवरी 2024 तक आप तहसीलदार को डिसाइड करनी थी एप्लीकेशन राइट थी आपने आपका आदेश किस तारीख का है अठारह चार अठारह चार का चौबीस है अच्छा और तहसीलदार का आदेश किस तारीख का है तो है तहसीलदार ने तो फरवरी पर कर दिया था अब आप, आपके हिसाब से भी डेढ़ महीना ऊपर हो चुका था आपके हिसाब से भी डेढ़ महीना ऊपर हो चुका मेरे था आज को आई। कोई बात नहीं इक्कीस चार को आपकी याचिका आई थी आपके पास अठारह चार को तो आपने खार, खारिज कर दिया इक्कीस को कहां से आ जाए आपका तीसरा आदमी दिख नहीं रहा है अभी that, टेक्वे, टेक्वे, इनको पहले इनकी तो लिपा पोती देखें छब्बीस और आपको बहुत चिंता थी हाईकोर्ट के द्वारा तहसीलदार के लिए समय की जो सीमा निर्धारित की गई थी उसकी आपको बहुत चिंता थी तो छब्बीस तीन की फाइलिंग आपने अठारह चार को ली अठारह और चार दिन बाईस दिन के बाद आपने ली ये घड़ियाली आंसू क्यों रो रहे हो साहब हमको तो हम तो अभी भी, भी तहसीलदार के स्तर से उठे नहीं है हा हा आपका तो ये कहना है ना हम तो अभी भी, भी तहसीलदार के स्तर से उठे नहीं है जो आदेश तहसीलदार के लिए था वो मैंने अपने ऊपर भी बंधनकारी माना तो 18 26 तीन की अपील रिवीजन जो भी है रिवीजन आई आपने 18 चार को ली और 18 चार को एक घंटा आदेश करने के बजाय एक मिनट में कर दिया ठीक है और कुछ कहना है अच्छा मैंने आपको चार ऑप्शंस दिए थे आपके आंख नाक कान सब बंद किए गए थे नहीं किए गए थे तहसीलदार ने नहीं किए थे अरे मेरा पहला ऑप्शन था क्या तहसीलदार के कहने पे किया आपने मेरा हाँ या ना बस हाँ या ना पहले नहीं पक्षकार के कहने पर किया नहीं। कानून नहीं। की अज्ञानता के करके किया नहीं और या फिर आपको लगा था कि साहब मुझे और या फिर आदेश समझ ना आने के कारण समझ में आया था बस हो गया आपको आदेश समझ में आ गया था शासन ने आपको बताया है कि विस्तार में आदर होना चाहिए परंतु आपने ये सोचा कि हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 के लिए तहसीलदार को आदेश दिया था मैं 22 दिन 22 दिन से फाइल रख के बैठा हूँ मुझे आधा घंटा भी नहीं देना चलिए ठीक हाँ कहा आपका कलेक्टर बैठ जाइए सर आप लोग थैंक यू आई विल टॉक यूडिल ओनलीपुरम डिस्ट्रिक्ट मारोट वन ह्यूज मेला नेमली नागद्वारी मेला इज टू बी शेड्यूल्ड मलोट इन विच मलोट ड्यू टू हेवी रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड मलोट फ्रॉम 24 मलोट इवन वन गवर्नमेंट व्हीकल जिप्सी हैज बीन रोट वर्क फ्रॉम दैट देखिए क्या है ये नहीं वो एक्जामशन एप्लीकेशन के तहत माने यहां बहुत बात बोले क्या क्या हुआ, हुआ कि अच्छा कलेक्टर साहब के आज वो दूत बन के आए हैं वाह 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 वेरी गुड क्या 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 कागज लेके आए यार ना नहीं सर वो एडिशनल जी आप लिफाफा कुछ दिखा रहे हैं ना सर वो मैंने अरे आप दिखाइए तो लि, लि, दीजिए लिफाफा मेरे को ऊपर से वहां से फहराते हुए चले जा रहे हैं लेटर डायरेक्टली टू मीट हाउ कैन ही राइट अ लेटर डायरेक्टली टू मी एंड कैन ही गिव द लेटर डायरेक्टली टू मी

Uh, I... आपके कलेक्टर ने साइन किया हुआ है ये बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं नो प्रॉब्लम मिस्टर एडिशनल कलेक्टर व्हाट इज योर नेम है देवेंद्र, देवेंद्र।, देवेंद्र कुमार सिंह एडिशनल कलेक्टर भोपाल और आपका क्या नाम है, नाँगे। है? नाँगे। आपका क्या नाम है राकेश खजूरिया तहसीलदार सिवनी मालवा नर्मदापुरम आर प्रेजेंट इन पर्सन इन ऑफ ऑर्डर डेटेड कल का लिख दीजिएगा 25-7-2024. kindly appreciate. The reasons assigned by uh, the additional collector as well as Tehsildar uh, in misconstruing uh, the order passed by this court were heard. When Shri Swapnil Gongoli was making verbal submissions seeking exemption, from, exemption of collector Narbada Puram from personal appearance, pointing out a certain natural calamities which uh, requ requires his presence on the spot. comma Shri So and So, Additional Collector, who was requested to sit and had also taken his stand on the bench, all of a sudden stood up and uh, started showing a brown envelope. Accordingly, he was directed to supply to supply the said envelope to the uh, to the court. Police system. Shri So and So gave that envelope to Shri Sapnir Gongali, whereas therefore. He was directed to give it to the court. This envelope contains a letter written by Collector Narbada Puram directly to the court, seeking exemption from personal appearance. This conduct of Collector Narbada Puram is unpardonable. Uh, once uh, the council for the state was representing the Collector Narbada Puram and was making submissions for his exemption on the ground of certain ground realities. Then the conduct of the additional collector by waving the brown envelope uh, in the court containing the application letter written to the court directly seeking personal exemption cannot be uh, tolerated accordingly. Whatever the reasons for absence of the collector Navadapuram may be. He is directed to remain personally present before this court at 4 pm to explain his conduct by writing a letter directly to this court, which was uh, shown by, which was being waived by the additional collector in the open court, Police Stop. Call at 4 pm. The letter written by collector Narvata Puram directly to this court is made of, is taken on record and uh, it is made a part of the reform. इसको सील करो तो लगाओ इन लोगों को आप लोगों की देखिए खुला हुआ है गांगुली जी आप लोगों ने देख लिया होगा सुन लीजिए मैंने फोन सुन लीजिए तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा खुला हुआ है कलेक्टर ऐसे फाड़ कर तो भेजेगा नहीं नहीं वो देखा मैंने आपने कहा होगा कि इसको मत देना मैंने इसलिए आपने कहा होगा इसको मत देना इसलिए मैं कहा, कहा था, मैंने आपने आपने था, 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 था नहीं कहा नहीं प्रयास कर रहे नहीं आपका कलेक्टर समझता मेरा एडिशनल कलेक्टर सफिशियंट है जस्टिस निपटने के लिए ठीक है आपके इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी पीछे खड़े होके लेते हुए चले आ रहे हैं ऐसे करते करते इसलिए अलग से बना बहुत अच्छा। सर, तो किस बात का है ए जी ऑफिस कानून के हिसाब से ना सिर्फ काम करता है परंतु अधिकारियों को भी कानून के दायरे में रह के रहने की निर्देश देता है उसके बावजूद भी इनकी स्वेच्छाधारिता आसमान को छू रही है कलेक्टर समझता है कि मेरा एडिशनल कलेक्टर जाएगा तो कोर्ट को देगा कोर्ट नतमस्तक हो जाएगी नहीं सर ये था अरे अरे भाई साहब ये धारणा नहीं है था। so, अपने जी, सर स्वप्निली आपको, होना चाहिए, था। नहीं सर, वो तो। आपको होना चाहिए था कि ये अफसर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मानते हैं यू आर मेकिंग पर्सनल सबमिशन अब आपने किसी धार्मिक आयोजन की बात की बिल्कुल राइट सर उसमें सुनिए सुनिए वाले हैं दस लाख दस लाख लोग आए

The envelope was in a torn condition, the envelope was in, a, in an open condition. Thus it is clear that the same must have been shown by Mr. So-and-so to the law officers of the state and they must have instructed him not to place it on record and in spite of that the additional collector was under an impression that since it is a letter written by collector directly addressing to the court therefore the court will be very much impressed and will succumb to the letter issued by written by the uh, collector uh, Navadapuram. accordingly to explain the conduct of the, his additional collector as well as himself and accordingly the collector Navadapuram is directed to remain personally present before this court at 4 pm to explain his conduct of writing a letter directly to this court as well as to explain the conduct of uh, the additional collector in uh, providing a copy in showing uh, in waving the letter in the open court in spite of the instructions given by the office of advocate general as well as to explain the conduct of the tehsildar and additional collector in violating and mis deliberately misconstruing the order passed by this court uh, in wp number uh, 972 of 2020 mp number 972 of 2020 call at 4p